नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हमारे UP SSSC की वीडियो की क्लास में आज हमारे इसका है मॉक टेस्ट का 6th पार्ट है। टोटल इससे पहले हम लोग 5 पार्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वहाँ से आप लोग सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। तो देखते हैं दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है हरियाणा है, तमिलनाडु है, जम्मू व कश्मीर है या फिर उत्तर प्रदेश है। दोस्तों आपको बता दें गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इस राज्य में गन्ने के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला आपको बताएं, पहला क्षेत्र है तराई प्रदेश से संबद्ध और दूसरा क्षेत्र जो है वो है गंगा यमुना नदियों के दुआब में स्थित है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि दो प्रमुख क्षेत्र है कौन से इसके। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसका जो पहला क्षेत्र है वो तराई प्रदेश से संबद्ध है और दूसरा क्षेत्र जो है वो गंगा यमुना नदियों के दुआब में स्थित है। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ये है आपका उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हैं फिलहाल भारत में गन्ने का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पहला ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। रिहंद नदी घाटी परियोजना 1952 में शुरू की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1952 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोग इन सबको ध्यान से सुनिएगा, और अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह रिहंद यानी कि रेणुका नदी पर बनाई गई थी। ठीक है ना, जिसका नाम रिहंद है, पहले इसका नाम क्या था, रेणुका, क्या कहते हैं इसको, रेणुका नदी पर बनाई गई थी। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है दोस्तों, तो यही है आपकी। इस नदी परियोजना के अंतर्गत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, फिलहाल आंसर तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ये की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1952 में। कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1952 में, और यह रिहंद यानी कि रेणुका नदी पर, कब किस नदी पर बनी है, रिहंद यानी कि रेणुका नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, नई दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर या फिर चंडीगढ़। गोमती नदी के तट पर दोस्तों कौन सा शहर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ के कई उपनाम हैं, जैसे कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, बागों का शहर कहा जाता है, नज़ाकत व नफासत का भी शहर इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो लखनऊ दोस्तों नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए क्या है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी नदी ऐसी नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है। देखिए यमुना नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि आपकी झेलम, राबी, चिनाब ये सभी नदियाँ जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग का यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, जबकि झेलम, राबी और चिनाब ये सारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक देश ऐसा है जो कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, चीन, भारत, ब्राज़ील, सिंगापुर। यहाँ पर ब्रिक्स से दोस्तों आप लोग के सारे फुल फॉर्म जब हम लोग इसकी करते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, ठीक है ना, रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरीके से हम लोग जब फुल फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए चाइना भी है, भारत भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन सिंगापुर दोस्तों बात करें तो सिंगापुर आप लोग का ये गलत है। क्लियर है ना, क्योंकि सिंगापुर जो है ब्रिक्स देश का सदस्य, ब्रिक्स का जो है सदस्य नहीं है सिंगापुर देश जो है। ब्रिक्स देश के सदस्य हैं ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस, इसे बिग फोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है बिग फोर, इसको जो है बिग फोर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि बिग फोर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्रिक्स को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उदनपुरी बिहार के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल या फिर नारायणपाल। तो क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर, उदनपुरी बिहार के संस्थापक जो थे वो थे धर्मपाल। पाल वंश के समय में ही धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। उदनपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय यानी कि बौद्ध शिक्षा केंद्र भी इसी काल के अस्तित्व में आए थे। क्लियर है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ये है आपका धर्मपाल। उदनपुरी बिहार के संस्थापक थे आपके धर्मपाल। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पर पहला कथन आपको दिया गया, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य जो था असफल ही देखते थे। सेकंड देखिए आपका स्टेटमेंट दिया गया कि प्राचीन स्मारक संरक्षक कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। थैल देखिए आपका कथन दिया गया। तीसरा जो है आपका कथन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने की थी। और यहाँ पर जो आपको फोर्थ पॉइंट दिया गया है, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद के लगान न देने को आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो आपको बताना इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, सेकेंड और थर्ड वाला, क्लियर है ना। ओके तो आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस का 51वां अधिवेशन बारदौली जिले के हरिपुरा गाँव में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये होता है 51, ये देखिए आपको जो तीसरा वाला दे रखा है, कांग्रेस का 51वां, कौन सा वा, 51वां जो अधिवेशन हुआ था ये बारदौली जिले के हरिपुरा गांव में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को जो है अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी को जो है सुभाष चंद्र बोस को दोबारा चुन लिया गया। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में लगान नहीं देने का आंदोलन शुरू करने का भी यहाँ पर सुझाव दिया था, क्लियर है। ओके अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में एक आदेश पर द्वारा रोक दिया गया है, वो संबंधित है समुद्री यात्रा से, हवाई यात्रा से, रेल यात्रा से या फिर सड़क यात्रा से। दोस्तों जो ट्रांजैक्शन शुल्क होता है जिसे ग्राहकों से वसूल करना जो है सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में एक आदेश द्वारा रोक दिया गया है, ये किससे संबंधित था। दोस्तों आपको बताएं, जनवरी 2013 की बात है ये, कि सर्वोच्च न्यायालय ने एयरलाइंस को किसी भी पैसेंजर से किसी भी रूप में या अन्य दूसरे नाम से रूप में ट्रांजैक्शन फ़ी लेने से मना कर दिया है। ट्रांजैक्शन फ़ी दोस्तों क्या होती है, ट्रांजैक्शन फ़ी वह फ़ी होती है जो पैसेंजर द्वारा फ्लाइट को बुक करने के लिए ट्रैवल एजेंट को देना पड़ता है, ठीक है ना। शीर्ष अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के इस अनिश्चित रवैये और ऐसा करने वाले गलत एयरलाइंस पर लगाम कसने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हवाई यात्रा से। ये किससे संबंधित था दोस्तों, ये हवाई यात्रा से संबंधित था। इसमें क्या होता था, जो पैसेंजर जो फ्लाइट बुक कराते थे ना, तो उसमें ट्रैवल एजेंट को कुछ जो थी फीस वहाँ पर सबमिट करनी होती थी, तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा रोक लगा दी गई है अब इस पर। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर इनमें से कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको एक यूपी की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई जिसमें आपको यूपी के बारे में बिल्कुल डिटेल से आप लोग जान पाएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फिलहाल आप लोग कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसके ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसके ऑप्शन तो दोस्तों इसके ऑप्शन है फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या फिर श्रावस्ती। तो दोस्तों आपको बता दें, बुंदेलखंड लगभग जो है आपका 69,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले चित्रकूट, बांदा, झांसी, जलाव, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, और मध्य प्रदेश के 6 जिले छतरपुर और टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और पन्ना शामिल हैं, ठीक है ना। बुंदेलखंड दोस्तों जो आपको पता है कितना फैला हुआ है, ये फैला है 69,000 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका आंसर क्या है, ये है महोबा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को याद भी होगा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों ये की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल इसका राइट आंसर आपका क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में कब की थी दोस्तों, 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बेंजापेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन जी की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस चेन के साथ 1945 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों इस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संघ यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, भारत है, पाकिस्तान है, कंबोडिया या फिर नेपाल है। दोस्तों आपको बता दें, सार्क के सदस्य देशों में बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। 4 अप्रैल 2007 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया था, ठीक है ना। अफगानिस्तान को दोस्तों अभी जो है सार्क का सदस्य बनाया गया था। फिलहाल इसमें आपको बताना था कि सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको बताया कौन सा, पहला आपका बांग्लादेश, ठीक है, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा मालदीव, पाँचवा नेपाल, छठा पाकिस्तान, सातवां श्रीलंका और आठवां दोस्तों जिसे
2007 में जो बनाया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, इसको भी सदस्य बनाया गया था, ये था आपका अफगानिस्तान। तो टोटल सार्क में 8 देश हैं, आपको बताना कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर, ये है कंबोडिया। कंबोडिया दोस्तों जो है सार्क का सदस्य नहीं है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों सार्क में 8 सदस्य आते हैं, 8 सदस्य देश हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या, आपको 2 लिस्ट दिए गए हैं, एक लिस्ट फर्स्ट है एक लिस्ट सेकेंड है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जैसे कि पहला दे रखा है इसमें केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, दूसरा है आपका खेती प्रणाली अनुसंधान निषेधालय निदेशालय, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, और ये डी वाला दे रखा है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र। तो ये बताना दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे पहला जो आपका दिया गया केंद्रीय धान अनुसंधान निदेशालय, ठीक है ना, ये जो आपको दिया गया यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था केंद्रीय धान, अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन और ये नीचे ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ केंद्रीय धान अनुसंधान निदेशालय जो है कटक ओडिशा में, कहाँ है दोस्तों, ये है इसका कटक ओडिशा में, यानी कि पहले वाले का आंसर आपका थर्ड हो गया, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है आपको खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका कृषि वाला, ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में, कहाँ है दोस्तों, ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में, यानी कि दोस्तों इसका फोर्थ वाला है। फिर देखा है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। और लास्ट वाला दोस्तों आपको बताएं सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, तो ये है दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि है झांसी में। यानी कि दोस्तों आपका आंसर कौन सा सही वाला होगा, ये है पहला वाला सही, ठीक है ना, 3421। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, एग मार्क का संबंध है संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। दोस्तों आपको बता दें जो एग मार्क होता है ये कृषि उत्पादों पर लगाने वाला एक अभी प्रमाणित चिन्ह है। एग मार्क दोस्तों आपको बता दें क्या होता है, ये कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उन पर लगाने वाला एक अभी प्रमाणित चिन्ह होता है, जो सुनिश्चित करता है कि ये उत्पाद भारत सरकार द्वारा अभी प्रमाणित है। आजकल एग मार्क 205 प्रकार के पदार्थों की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, और इन पदार्थों में दाल अनाज तेल फल सब्जी आदि भी शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर ये है गुणवत्ता से, क्वालिटी से, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या, ये है गुणवत्ता से। फिलहाल देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें ये NCAP ये नई दिल्ली के पूसा में देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पर स्थित है, ये भारत के प्राथमिक कृषि आर्थिकी अनुसंधान संस्थान है। ओके तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोग का, ये है आप लोग का फर्स्ट वाला, जो कि आप लोग का यहाँ पर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है, NORIN-10, DGVU-GEN, OPEC-2, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल ये है NORIN-10, क्लियर है ना। थोड़ा सा चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं, गेहूं में का जो बौना बीज होता है NORIN-10 नामक बौना जीन धारण करता है। NORIN-10 एक अर्ध बौना बीज है जिसका प्रयोग जापान में किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, ये जापान में किया जाता है। यह विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको गेहूँ के उत्पादन बढ़ाने में उत्तम सिद्ध होता है। हरित क्रांति के दौरान जो इसका जो योगदान है लगभग 60% था, ठीक है ना। तो NORIN-10 नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, इससे इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती लचीली, शून्य लचीली, ठीक है ना, स्थायित्वहीन, या फिर अनंत लचीली। तो दोस्तों फिलहाल इसका जो आंसर है ये है स्थायित्वहीन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान कर दी कौन से। दोस्तों आपको बता दें ये किस अनुसूची में, 11वीं में, 4थी में, 12वीं में, या फिर 8वीं में। दोस्तों आपको बता दें हमने जो है संविधान की जितनी भी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां थी सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताया। अगर आप लोगों ने अभी तक उस टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार हमारी उस टॉपिक वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो वो आप लोगों से नहीं छूट पाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हुआ करे तो आप लोग वहां पर ही हमें बता दिया कीजिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम के 2 ग्रुप हैं, एक है दोस्तों फॉर स्टडी के लिए, एक है फॉर जॉब के लिए, ठीक है। आप लोग दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को सारी, क्योंकि जॉब से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको, जैसे कि इसका अगर एडमिट कार्ड है, ठीक है, कब आएगा एग्ज़ाम डेट, कब आएगी, कौन सा न्यू फॉर्म आया है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों आप लोग को वहाँ पर डिटेल मिलती रहेगी। और आप लोग स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहते हैं तो आप लोग को इस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा आप लोग दोनों ही हमारे टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। फिलहाल दोस्तों 67 की बात करें तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। इस अनुसूचित भाषाओं की एक सूची है दोस्तों। इसमें मूल रूप से संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी दोस्तों। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम हमारे संविधान में केवल 14 ही भाषा थी, लेकिन बाद में ये 22 हो गई थी। हालांकि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, यह भारत संघ की जो एक आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो फिलहाल दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सही जवाब है यह है 8वीं अनुसूची। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, 2011 जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व कितना है, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 340, 375 या फिर 382। तो दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या का जो घनत्व वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। दोस्तों आपको बताना है किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। आप सभी को बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या फिर महान्यायवादी की। तो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनको भी दोस्तों शपथ है राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं, राज्यपाल को भी शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो ये आता है महाधिवक्ता। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो राज्य में महाधिवक्ता का पद जो है भारत के अटॉर्नी जनरल के समान है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये है महाधिवक्ता। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का उत्तरी मैदान जो है किसके द्वारा आच्छादित है, लाल मिट्टी के द्वारा है, काली मिट्टी है, लाल दानेदार मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी है। तो दोस्तों आपको बता दें भारत का उत्तरी मैदान में जो है कछारी मिट्टी, जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, जिसे हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के नाम से, इसके द्वारा आच्छादित है। हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के मध्य सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित एक विशाल और महत्वपूर्ण मैदान स्थित है। इसे जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो कौन सी मिट्टी है दोस्तों, ये है कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसका अन्य नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा। राइट आंसर दोस्तों क्या है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का थर्ड वाला है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित दोस्तों। ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अकबर नामा का रचयिता कौन है। तो अकबर नामा का रचयिता है अबुल फजल। इसके अतिरिक्त इन्होंने आईन अकबरी की रचना की थी। और आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो रचनाएँ हैं किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है, उर्दू वाली भाषा में है, फारसी भाषा में है या फिर हिंदी भाषा में। तो दोस्तों ये आपको कमेंट के थ्रू में बताना है कि जो आपकी जो लिखी है, जो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा है, आईने अकबरी है, ये जो रचनाएं की गई थी, ये दोनों रचनाएं किस भाषा में, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट के थ्रू में बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। दोस्तों वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम जो है एक सदस्य के पास परिवार में बैंक खाता है। तो वो राज्य है दोस्तों कौन सा, हाँ तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पता है, जो दिसंबर 2017 के जो आंकड़े हुए थे सरकारी आंकड़े, तो केरल के हर घर में कम से कम एक सदस्य के पास अब जो है बैंक खाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर केरल है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही। अगर इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं तो आप लोग फिलहाल कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है, जब कोई भी दोस्तों टोटल प्रोडक्ट है हमारा अगर स्थिर हो जाता है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक या फिर स्थिर। तो वो भी जो है स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना। मार्जिनल उत्पाद एक संयोग उत्पाद है जो मजदूरों की संयोगीय इकाई से आता है। जब मार्जिनल यानी कि मामूली उत्पाद बढ़ता है तो पूर्ण उत्पाद भी बढ़ता है, तथा जब मामूली उत्पाद घटता है तो पूर्ण उत्पाद भी घटता है। इसी प्रकार जब पूर्ण उत्पाद स्थायी रहेगा तो हमारा मामूली उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो है यहाँ पर स्थायी रहेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या, ये है स्थायी। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित कथनों में से आपको ये बताना कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने चार कथन दिए गए, चार स्टेटमेंट है, तो बताइए दोस्तों। सबसे पहला आपका कथन है कि कौशल जो है धान की एक प्रजाति है। सेकंड है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। थर्ड आपका जो दिया है पॉइंट यहाँ पर, केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। भारत में अगर दाल की बात करें, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। यह पूरे राष्ट्र का 24% दाल का उत्पादन करता है। इसके बाद राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो यहाँ पर जो दलहनों के मामले में जो राजस्थान लिखा है, यही आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि नंबर वन पे आता है राज्य मध्य प्रदेश, इसके बाद आता है राजस्थान, और उसके बाद आता है हमारे अपने राज्य उत्तर प्रदेश का नंबर। ओके, तो पहले नंबर पे दोस्तों कौन सा राज्य है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, और फिर उत्तर प्रदेश है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम दोस्तों, एग्ज़ाम बस होने ही वाला है आप लोग का। तो मैं तो यही दोस्तों आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, लगाया कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कीजिए। फिलहाल दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।